बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। ठीक समझ रहे हैं आप, एनटीए की बात कर रहा हूं मैं। मतलब क्या है भाई साहब, कौन ऐसे परीक्षा करवाता है? ना आपने ढंग से परीक्षा करवाया, ना आप आंसर की ढंग से जारी कर पा रहे हैं, और तो और आपने कई छात्रों को ओएमआर ही इधर उधर कर दिया। छात्र ने जिस क्वेश्चन को नहीं बनाया है आप कह रहे हैं कि आपने बनाया है, मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज कर दे रहे हैं। कौन है आपके एक्सपर्ट? जब आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी एक्सपर्ट की टीम जांच करेगी। कहां से पकड़ के ले आए? युगांडा से पकड़ के तो नहीं ले आए आप एक्सपर्ट को? मतलब क्या कर रहे समझ ही नहीं आता है। पूरी तंत्र को आपने ध्वस्त करके रख दिया है और आपको जरा भी शर्म नहीं है इस बात की। राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा होती है बीएचयू की, और पूरे माहौल बना दिया बीएचयू का। बीएचयू प्रशासन क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आता है। चुपचाप से बैठ के आपके हर गतिविधियों को सुन रहा है, देख रहा है। अब बताइए वो छात्र क्या करेंगे जिसका आपने पूरा ओएमआर चेंज कर दिया। एक नंबर प्रश्न उन्होंने बनाया नहीं, दो नंबर बनाया तो एक नंबर से सीक्वेंस में डाल दिया, और आपका जो टाइमिंग था क्वेश्चन को चैलेंज करने का वो समाप्त हो गया। छात्र तो इसी दुविधा में रह गए कि वो एक को चैलेंज करें या सबको चैलेंज करें। और 200 रुपया पर प्रश्न, वो भी नॉन रिफंडेबल, धन उगाही का बहुत जबरदस्त तंत्र आपने बनाया है। मतलब क्वेश्चन भी आप दें, गलती भी आप करें, और उसके बाद 200 रुपया भी हमसे लें। हर क्वेश्चन, हर पेपर में, चाहे कोई भी कोर्स हो, आपने 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया है। मतलब कहाँ से ले आए, कहाँ से बैठाए अपने एक्सपर्ट को कि क्वेश्चन ही सही नहीं दे पाए? मतलब क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ रहा है। एक आध क्वेश्चन ड्रॉप हो तो समझ में आता है कि कोई, मतलब कि चलो भाई मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। इतना क्वेश्चन ड्रॉप मार रहे हैं आप, गजब व्यवस्था है। आपको तो एकदम 10-20 उंगली से प्रणाम करना चाहिए। और क्या, कौन से जिम्मेदार अधिकारी आपसे प्रश्न पूछेंगे और किनको आप जवाब देंगे, ये देश की जनता ही तय करेगी। सुनिए इन बच्चों को, जो बच्चे लगातार पीड़ित हैं आपके व्यवहार से, और बताइए क्या उत्तर दें, क्या करें। ये आपने इनके जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। जिन बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है, बच्चे लगातार मेल कर रहे हैं, आप भी जो ऑफिशियल मेल आईडी है bhu@nta.ac.in संभवतः यही है, उसको चेक कर लीजिएगा एक बार वेबसाइट पे। उस पर मेल करिए अपने डिटेल्स को लिख के कि ओएमआर में हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई है। कुछ लोगों को मैसेज आया है कि उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो आपको मेल करना पड़ेगा। बाकी ट्वीट करिए अपने वीडियोस बना के, जैसे इन बच्चों ने बनाया है, और जो भी आप अपने इनसे प्रयास कर सकते हैं उस प्रयास को जरूर करिए। सिर्फ हाथ पे हाथ रखे मत बैठिए, और सुनिए आपके जो सहपाठी हैं जिन्होंने आपके साथ एग्जाम दिया, उनके ऊपर क्या बीत रही है। मेरा नाम मान्या वाजपेयी है, मैंने BHU एंट्रेंस 3 अक्टूबर को BA प्रोग्राम के लिए दिया था। कल 3 तारीख को उसकी आंसर की रिलीज हुई है, और उसमें जो मेरी OMR शीट है और जो कंप्यूटर ने रिस्पांस रिकॉर्ड किए हैं वो एकदम नहीं मैच कर रहे हैं। अगर मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन छोड़ा है तो उसमें कोई भी ऑप्शन वो अपने मन से डाल के दिखा रहे हैं। मैंने 4th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 अगर सेलेक्ट किया है तो वो ब्लैंक दिखा रहे हैं। ऐसे करते करते मेरे 93 क्वेश्चन में दिक्कत है। और इसके बाद जब हम सब ने ये क्वेरी उठाई और वो वेबसाइट चेक करने चाही तो वेबसाइट रिपीटेडली हैंग कर रही है। और अब NTA ने अपनी OMR शीट देखने का ऑप्शन भी हटा लिया है। मेरा नाम साक्षी आलोक है, मैंने BHU BA इंट्रेंस का दिया था टेस्ट, और आज आंसर की आया तो मैंने उसमें मिलाने के लिए देखा, तो जो मैं OMR शीट मैंने डाउनलोड किया तो OMR शीट में जैसे मैंने फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं किया था, लेकिन जो उन्होंने रिस्पांस रिकॉर्ड किया है उसमें 1, 2, 3 उन्होंने खुद से कोई भी ऑप्शन कर लिया है। और फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया था OMR में अपने, लेकिन उनके रिकॉर्डेड रिस्पांस में शो कर रहा है कि 3rd ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ। और लास्ट के जैसे क्वेश्चन नंबर 147, 148 या 149 है, उसको मैंने तीनों ही क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है उसमें तीनों ब्लैंक शो कर रहा है। पता नहीं क्या ही है ऐसे, तो फिर मतलब सारा का सारा ही क्वेश्चन। हेलो, मेरा नाम है आंचल यादव और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, और मैंने 3rd अक्टूबर को BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था BA आर्ट एंड सोशल साइंस के लिए ना, और जो NTA द्वारा कंडक्ट करा था आप लोग को पता भी होगा, और इसका भी आंसर किया है 3rd नवंबर को। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, जैसे मैंने अपने OMR सीट पे ना स्टार्टिंग के 1-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे ना, बट जो NTA ने रिस्पांस किया है अपना आंसर की, यानी जो मेरा स्कैन किया है वो, उसमें मेरे स्टार्टिंग के 1-4 क्वेश्चन
जो है शो कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है, जबकि मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया था। और मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर ब्लैंक्स दिखा रहा है। और इस तरह मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था वो सॉल्व दिखा रहा है, या जो मैंने सॉल्व किया था वो ब्लैंक्स दिखा रहा है। और इस तरह मेरे सारे जो मार्क्स हैं वो निगेटिव में जा रहे हैं। मेरा नाम कनक यादव है। मैंने BHU BA 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। आज उसका आंसर किया आया था। मैंने अपना आंसर की अपनी OMR शीट से अच्छे से मैच कर लिया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो OMR शीट जिसको मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में खुद एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जिसे मैंने भरा था, और उसी OMR शीट का जो रिस्पॉन्स NTA ने मेरे को दिया है, दोनों के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने जैसे OMR शीट में क्वेश्चन फर्स्ट था उसको मैंने छोड़ दिया है, तो उसका जो OMR शीट का रिस्पॉन्स है उसमें ये शो कर रहा है कि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट को अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही अगर मैंने क्वेश्चन टू का ऑप्शन सी ऑप्ट किया है तो उसमें दिखा रहा है कि जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें ये दिखा रहा है कि मैंने क्वेश्चन टू का आंसर फोर ऑप्ट किया है। मतलब कि अपने मन से कुछ भी इधर उधर आंसर सब बदल दिए। टू का अगर मैंने सी लगाया है तो उन्होंने फोर कर दिया, फोर का मैंने ए लगाया है तो उन्होंने बी कर दिया। अपने मन से कुछ भी कर दे रहे हैं। दो चार क्वेश्चन की बात नहीं है, मेरे सारे के सारे रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स गलत है जो NTA ने मेरे को दिए हैं।